पूर्वी दिल्ली के शक्करपुर इलाके में साले ने अपने दोस्त के साथ मिलकर जीजा की चाकुओं से कूद कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में आरोपी साला और उसके दोस्त को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद हो गया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मृतक ने रक्षाबंधन पर साले के साथ गाली गलौज की थी, जिसे लेकर हुए विवाद में साले और उसके दोस्त ने मिलकर जीजा की हत्या कर दी। फिलहाल आप क्या कार्रवाई चाहते हैं आरोपियों की? हमें तो ये चाहते हैं कि जैसे मेरा भाई मरा है ऐसी फुसफुस मरे, जैसे मेरे भाई को कत्ल करा है ना वैसी मरना चाहिए वो, चाहे वो कितने भी जने हो। राहुल आपका क्या लगता था? भांजा जी मेरा था। अच्छा, आपको क्या जानकारी मिली और क्या मामला है? मामला ये है, मियाँ बीवी की लड़ाई थी, उसकी बीवी पुलिस वालों को कह रही थी, बोला जी इसको कुछ समझा के जाना और उसके साथ ही भेज दिया अपने भाइयों की गैल। ऐसा समझाया, सुबह पुलिस वाले आए, उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे बातें, शनागत करने आए, उन्होंने मैं फोटो दिखाई, बोला ये तो नहीं है, मैं बोला जी यही है हमारा भांजा। तो अच्छा, आपको एक मृत व्यक्ति की फोटो यानी आपके भांजे को मृत अवस्था में फोटो दिखाया? फोटो यहाँ पे भी आए। अच्छा, यहाँ भी कोई पुलिस वाला आया? हाँ, पुलिस वाले आए, यहीं पे दिखाए थे। शकरपुर थाने थे? हाँ, ग्रांड ब्रांच के थे। कहाँ के थे पुलिस वाले? दो आए थे। उन्होंने एड्रेस लिया, पता पूछा, नाम पूछा उसका, वो पूछा भाई क्या निशानी है उस पे, हमने बताया जी स्टॉल लिखे हैं। अच्छा, आपने पहचान कर ली कि आपका ही भांजा राहुल? हाँ, उन्होंने शिकल दिखाई, शिकल देख। अच्छा, आपको ये बताया बॉडी कितने बजे और कहाँ मिली है पुलिस को? उन्होंने कही खादर में मिली है, आईटीओ से नीचे को जाते हैं, जमुना खादर, जमुना के खादर में। हाँ, मैं ये टाइम बताए बॉडी कितने बजे मिली है? ये सुबह के 10-11 का टाइम होगा, ये तो नहीं बताया हमारे पास, तो इतने बजे आए थे 11-11.30 बजे। अच्छा, उसका जो साला है वो फुफिया सास का लड़का है वो। अच्छा, साले का नाम मालूम है आपको? संजय है, संजय। हाँ, सबसे बड़ा जो उसका नाम संजय है, संजय। अच्छा, जब उसके घर पे गए रात को पूछने, भाई तुम्हारा लड़का कहाँ, तुम्हारे लड़के को लाया, तो कहते हमें नहीं पता, 5-7 साल से हमने बेदखल कर रखा, वो तो बदमाश है, मार दो उसको गोली, ऐसा करके बोल दिया। अच्छा, और लड़ने को तैयार हो गए उसके माँ बाप। अच्छा, फिर रात को ही हम उल्टे चले आए, फिर ऐसे बोला उन्होंने। आपको कोई शक हुआ उनकी बातों पे? शक तो हुआ, जब उन्होंने बेदखल कर रखा तो बदमाश ही होगा, गुंडा आदमी होगा वो, तो वही लेके गया वो लड़की। अगर जैसे वो लड़का आए थे, अगर वो लड़की बोल देती हमारे भाई से कि पापा इसे लेके जा रहे हैं, तो ये वारदात नहीं होती। अच्छा, ये उसी ने करवाया ये वारदात। ये बताइए, जब वो घर से लेके गए थे उस समय क्या परिवार में किसी को ऐसा अंदेशा था कि ये ले जाके हत्या कर देंगे? अजी, वो उसने बताया नहीं किसी को, किसी को बताया नहीं। अच्छा, वो चुपचाप नहीं, वो उसकी बहू लेके गई उसे चुपचाप। अच्छा, हाँ, यानी आपको क्या लगता है उसकी पत्नी भी? पत्नी भी शामिल है उसी में ही है वो भी। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अपूर्व गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिल्ली से सटे गाजियाबाद निवासी किशन और राहुल के तौर पर हुई है। 30 अगस्त को शक्करपुर थाना क्षेत्र के यमुना खादर में एक युवक का शव मिला था। युवक की चाकू से कूद कर हत्या की गई थी। मृतक युवक की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी राहुल के तौर पर हुई। राहुल ई रिक्शा चलाता था। वहीं आपको बता दें कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस अंधे हत्याकांड को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर अजीत सिंह के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ के पुलिस अधिकारियों की एक टीम, समर्पित टीम जिसमें एसआई विकास कुमार, एसआई अनिल कुमार, एएसआई नीरज, एएसआई सत्यदेव राणा, एचसी मनेंद्र, एचसी मुकेश, एचसी विचित्र, सिटी योगेश यादव और डब्ल्यू सिटी सरिता सुखारी को शामिल किया गया। जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी लक्ष्मी का ममेरा भाई किशन रक्षाबंधन के लिए उनके घर आया था और मृतक उसके आखिरी बार उसके साथ ले गया था। इस जानकारी के बाद किशन के ठिकाने पर छापेमारी कर उसे गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। किशन से पूछताछ के बाद उसके साथी राहुल को भी पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे रक्षाबंधन के लिए किशन की बहन लक्ष्मी के घर गए थे। जब वे घर में दाखिल हुए तो जीजा राहुल उर्फ काले ने उन्हें और उनकी बहन लक्ष्मी को गाली दी। उस रात राहुल उर्फ काले उनके साथ यमुना खादर क्षेत्र शराब पीने और धूम्रपान करने गया। यमुना खादर में उनमें गर्मा गर्म बहस हुई। राहुल उर्फ काले के पास चाकू था और उसने किशन उर्फ राजू पर हमला कर दिया। जवाब में राहुल उर्फ केशव ने राहुल उर्फ काले को पकड़ लिया, जबकि किशन ने चाकू लेकर जीजा राहुल उर्फ काले के पेट और पीठ पर कई वार किए और उसे घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। आरोपी किशन उर्फ राजू 10वीं तक पढ़ा है। वह दरियागंज दिल्ली में एक बैटरी की दुकान पर काम कर रहा था, जबकि आरोपी राहुल उर्फ केशव भी 10वीं तक पढ़ा है। वह फ्लिपकार्ट के लिए डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा था।
लड़ाई भी कुछ नहीं थी उन लोगों की, देखो लड़ाई भी कुछ नहीं थी, लड़ाई होएगी तो बताएंगे भी भाई ये लड़ाई हुई है, लड़ाई कुछ नहीं थी बस। अच्छा इसके अलावा कभी राहुल ने ऐसा कोई जिक्र किया था किसी से रंजिश होने का जिक्र किया था आपने? नहीं, ये अपने सालों को लेके कोई ऐसी बात बताई हो? नहीं कुछ, अपने सालों के साथ हंसा था बोल लेता को। अच्छा इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हत्या उसके सालों ने ही की है? हाँ कहते हैं उन्होंने एकदम स्विच बंद कर दिया, स्विच बंद कर दिया उन्होंने, उसका फोन नहीं लगा उन्होंने, जाते इसका काम कर दिया पूरा जाते। सुबह 3 से 4 बजे जब ले गए उसी समय मार दिया आपके अनुसार? हम गए थाने, उन्होंने की 24 घंटे के बाद करे एफआईआर। हाँ तो कह रहे अगले दिन लो होगी आपकी, 24 घंटे हो जाएंगे, मगर सर सही है हम दोपहर गए, दोपहर गए थे तो हमने उन्होंने सब में बड़े लड़के ने सब में भेज दिए थाने में, तो बहुत लोग वही रहे थे 1-2 घंटा बातचीत होती रही, मैं बताया क्या पुलिस वाले क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, तो उसके बाद वो कह लगे तुम सब चले जाओ लड़के का पापा, लड़का रुक जाएगा। मेरे लड़के को तब उन्होंने वीडियो दिखाई थी, मुझसे आई होगी कहीं से थाने से वीडियो, तो मेरे लड़के ने की बड़े वाले ने मेरा भाई है। तो फिलहाल आरोपियों के लिए आप क्या चाहते हो? देखो आपके मैं हाथ जोड़ रही हूँ, उसके है ना फांसी लगनी चाहिए, गोली लगनी चाहिए मेरी आंखों के सामने, कैसे मेरा बच्चा गया ना मेरी आंखों के सामने गोली लगा तब में शांति होगी, फांसी लगनी चाहिए उन्हें, एक हो दो हो तीन हो कितने भी हो मैं सब शांति से बैठूंगी, नहीं इतना मैं शांति से। मेरे भाई को ले गए जी घर से बुला के मरवा के फिकवा दिया, अरे 1 बजे आए थे जी उसकी बुआ के घर के, उसकी बहू के। अच्छा बहू की? हाँ जी, 4-5 जने आए थे, 2-3 जने आए थे जी, हमें नहीं पता कहाँ गए, गाड़ी लेके गए। दिल्ली से रिजवान खान की रिपोर्ट।